चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्कशन के पार्ट टू में। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। एक क्विक रिकैपिटुलेशन, हमने बेसिकली फंडामेंटल ये समझा कि अलग अलग तरह के असेट्स को रिकॉग्नाइज और मेजर करने के प्रिंसिपल्स अलग अलग होंगे। जिस सिद्धांत से मैं मशीन बिल्डिंग को वैल्यू करूंगा, उस सिद्धांत से मैं गुडविल को वैल्यू नहीं कर सकता। जिस सिद्धांत से गुडविल मेरी बुक्स में रिकॉग्नाइज या वैल्यू होगी, वो सिद्धांत से मैं भेड़ बकरियों को, बायोलॉजिकल असेट्स को वैल्यू नहीं कर सकता। जो सिद्धांत भेड़ बकरियों पे लगा रहा हूं, वो सिद्धांत मैं अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पे नहीं लगा सकता। इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के सिद्धांत में इन्वेंटरी पे नहीं लगा सकता। इन्वेंटरी के रिकॉग्निशन मेजरमेंट के सिद्धांत में डेटर एडवांस लोन गिवन तरह की असेट्स पर नहीं लगा सकता, क्योंकि इन सारी असेट्स का नेचर अलग अलग है। इसके लिए स्टैंडर्ड अलग अलग है जो इनके वैल्यूएशन के, रिकॉग्निशन के, मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स अलग अलग देते हैं। हम ये जो स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, ये प्राइमरली किसकी बात करता है? फाइनेंशियल असेट्स एंड लाइबिलिटी। फाइनेंशियल असेट वो असेट है जिसमें मुझे या तो किसी से कैश मिलेगी, या किसी और के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, या मेरी कैश इन हैंड, या इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज इन हैंड। किसी को पैसे देना है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। मैं अपने इक्विटी शेयर्स अगर किसी को देता हूं, तो दैट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फॉर मी। डेफिनेशन इस तरह से हमने डिस्कस करी, और फिर हम आए रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में, जो हमारा मेन पार्ट था, जिसमें नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमने पहले डिस्कस किया। हमने देखा कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी कमोडिटी को लेने का, नॉन फाइनेंशियल असेट को लेने का, लेकिन उसमें नेट सेटलमेंट ऑप्शन इन सब्सटेंस या इन लीगल फॉर्म आ जाने से हो सकता है कि वो भी अपने आप में क्लासिफाई हो एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वहां पे हमने देखा कि चार बेसिक सिचुएशंस होती हैं, जिनमें से कोई भी मौजूद हो तो हमें मानना होगा कि नेट सेटलमेंट ऑप्शन है। जैसे कि ऑप्शन का होना, जैसे कि हमारा पास्ट हिस्ट्री होना नेट सेटलमेंट करने का, जैसे कि परचेज और सेल एकदम क्विक फ्रीक्वेंसी में होना, साइमल्टेनियस बेसिस पे होना, एंड फाइनली नेचर ऑफ द नॉन फाइनेंशियल आइटम इज सच कि उसको रेडिली कैश में कन्वर्ट कर सकते। ये चारों में से कोई भी चीज मौजूद है तो लगेगा कि नेट सेटलमेंट ऑप्शन है। अगर नेट सेटलमेंट ऑप्शन है, तो फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन में अगर हमने कोई पुट या कॉल ऑप्शन अंडरराइट किया है, सामने वाले को ऑप्शन दिया, भाई तेरी इच्छा है तो तू डिलीवरी लेना देना या कैश में सेटल करना, तो डेफिनेटली ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में तो हमेशा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन नेट सेटलमेंट का आपके पास ऑप्शन है या रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश असेट है, लेकिन हमें लगता है कि आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पर्पस, आपके इस कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पर्पस डिलीवरी लेना है। दैट मींस द डिलीवरी और द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट मीट योर एक्सपेक्टेड परचेज सेल और यूजेज रिक्वायरमेंट ऑफ दोज गुड्स, देन इन दैट केस वी मे से दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन फाइनेंशियल असेट्स, अनलेस इट लीड्स टू एन अकाउंटिंग मिसमैच, जो 109 डिस्कस करते हैं। यहां पे दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि शुरू में मेरा इंटेंशन था कि मैं इसको परचेज करूंगा और इसको आगे तक होल्ड करूंगा फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग डिलीवरी, और बाद में मेरा इंटेंशन चेंज हो गया और मैंने बोला मैं इसे नेट सेटल करूंगा? दैट इज क्वाइट पॉसिबल। ऐसे केस में यह रिक्लासिफिकेशन की अकाउंटिंग में आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना वाइस वर्सा नहीं हो सकता। पहले मेरा इंटेंशन था कि मैं नेट सेटल करूंगा और बाद में मेरा इंटेंशन है डिलीवरी लूंगा, क्योंकि अगर आप इंडेस पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि राइट एट द टाइम ऑफ परचेस योर इंटेंशन वॉज नॉट टू सेटल इट ऑन नेट बेसिस, दैट मीन्स बेसिकली टू ईदर टेक रिसिप्ट और डिलीवरी ऑफ द गुड्स, एंड दैट इंटेंशन कंटिन्यूड थ्रू आउट। दोनों कंडीशन प्रूव होगी, यानी इनिशियली आपका इंटेंशन डिलीवरी था और आगे भी डिलीवरी रहा, तो ही आप उसको क्लासिफाई करेंगे एज अ फाइनेंशियल, सॉरी अ नॉन फाइनेंशियल आइटम। तो दैट वाज बेसिकली नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर हमने देखा कि अगर नेट सेटलमेंट ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सेकेंड पार्ट पर हम आए फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। हमने देखा कि कुछ केस में अगर आपके इक्विटी शेयर्स पे पुट ऑप्शन है, तो ऐसा हो सकता है कि पुट ऑप्शन इक्विटी शेयर्स पे आपने दिया, यानी अंडरराइट किया, यानी सामने वाला आपको शेयर देके पैसे मांग सकता है, तो फिर उस केस में वो इक्विटी इक्विटी नहीं है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। लेकिन
अगर वो पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आती है, दैट मीन्स पांच कंडीशन हमने देखी थी, मोस्ट सबॉर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट है, उसकी राइट्स दूसरों की राइट्स के बराबर है, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट असेट्स मांगेगा, उसके टोटल कैश फ्लोज कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स या इंक्रीज इन नेट असेट्स या नेट असेट्स के प्रोपोर्शन में होंगे, एंड फाइनली इसके अलावा उसके पास और कोई कैश कमिटमेंट्स नहीं है। तो पैरा 16 ए की पांचों कंडीशन फुलफिल, प्लस पैरा 16 डी बोलता है दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके पास ऐसे कोई कैश फ्लोस प्राप्त करने का राइट है जो नेट असेट्स को बिलोंग करते हैं, रिलेट करते हैं, या वो हमारे पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स के कैश फ्लो को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेगा। तो ये पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी के नेचर के होने के बावजूद भी इक्विटी के अंदर क्लासिफाई होंगे। सिमिलरली ऐसे इंस्ट्रूमेंट है लेकिन उसमें कंडीशन है कि सिर्फ लिक्विडेशन पे उनको पैसा दिया जाएगा, विच इज प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट असेट्स, यानी 16 ए की शुरू की तीन कंडीशन और 16 बी की दोनों कंडीशन फुलफिल होगी जो 16 सी और 16 डी पैरा ऑफ इंड एस 32 में दी गई है, तो फिर उसे भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी की बजाय इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई किया जाएगा। इन इंस्ट्रूमेंट्स में भी रिक्लासिफिकेशन हो सकता है, यानी हो सकता है ये पहले इक्विटी हो बाद में फाइनेंशियल लाइबिलिटी, पहले फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो बाद में इक्विटी। याद रखना इक्विटी टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी है तो फेयर वैल्यूएशन पर होगा और ये वैल्यूएशन डिफरेंस इक्विटी से एडजस्ट होंगे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू इक्विटी है तो कैरिंग अमाउंट पर रिक्लासिफिकेशन होगा। कंपाउंड फाइनेंशियल, इनफैक्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी की एनसीआई के पास अगर पोर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो उसे एनसीआई में एड नहीं करेंगे, अलग से लाइबिलिटी शो करेंगे। ये सब डिस्कस करने के बाद हम रिलेटेड कॉन्सेप्ट के आखिरी टॉपिक में आते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। द लास्ट टॉपिक इज कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग एंटिटीज ऑन इक्विटी शेयर्स। अब हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जहां पे कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर या तो देने वाली है या कंपनी को अपने खुद के इक्विटी शेयर्स मिलने वाले। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर्स देने वाली है। इसका डिस्कशन हम तीन पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक, जहां पे कंपनी फिक्स कंसिडरेशन के बदले में फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी, दूसरा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा कंटिंजेंटली सेटलेबल प्रोविजंस। नाउ व्हाट इज दिस, लेट अस अंडरस्टैंड। तो अब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स टू डिलीवर एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों एक चीज समझिएगा, हमने एक एग्जाम्पल लिया था एंड दैट एग्जाम्पल वॉज ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स, जिसमें हमने बोला था कि हम ड्यू डेट पे क्या करेंगे, अपने इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, ना कि कैश में रिडम्पशन करेंगे। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है किसका, कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेटल और इन्वॉल्विंग एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। मैं हेडिंग पे इतना फोकस दोस्तों इसलिए करता हूँ क्योंकि ये हेडिंग ही जान है, इस तरह से हेडिंग बनाई गई है कि जिससे आप कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियरली क्या कर सके, दिमाग में फिट कर सके। इसके अंतर्गत हम पहली कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे वी बेसिकली हैव अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर एंटिटीज ऑन इक्विटी शेयर। Contracts to deliver entities own equity instrument. मैं अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करूंगा। एग्जाम्पल हमारा इसमें मल्टीपल सिचुएशन है। सबसे पहली सिचुएशन को फिक्स टू फिक्स सिचुएशन मैंने नाम दिया है। वॉट वॉज दिस बेसिकली एग्जाम्पल अगर हम लें तो वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इज मैंने एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेस किया है, ड्यू डेट से 5 साल के बाद आई विल इशू इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब सवाल यह है कि यह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नेचर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म के अनुसार अगर मुझे ड्यू डेट पे इसे रिडीम करना होता तो ये आज फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती, लेकिन ड्यू डेट पे मैं रिडीम नहीं करूंगा, इसे इक्विटी शेयर दूंगा, इसका मतलब ये अपने आप में एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। तो हमारी सही मायने में आंसर हमारा क्या बनता है, इट शुड बी एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है
कि हम इसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आज माने या 5 साल बाद, ऑब्वियसली आज ही, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है ना 5 साल बाद इसे इक्विटी मानने का, जब तुमको आज ही मालूम है कि तुमने किसी से आज पैसे लिए और तुमने उसे बुलाया कि मैं तुम्हें आज की बजाय 5 साल बाद इक्विटी शेयर दूंगा। पैसे लिए शेयर दिए तो भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, पैसे लिए दिया बोला मैंने 2 दिन बाद शेयर दूंगा तो भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, 2 दिन के 2 साल, 2 साल के 5 साल है तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्यों? क्योंकि देना तो इक्विटी शेयर ही है और इक्विटी शेयर है यानी उसका रेसिडुअल इंटरेस्ट ही। लेकिन सर इनमें डिविडेंड का भी तो होता है ऑप्शन। हाँ, ये एक मुद्दा इंटरेस्टिंग डिस्कस करने का हो सकता है। बट बिफोर आई कम टू दैट एस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, विच आई विल लाइक टू कीप इट अपार्ट फॉर आर डिस्कशन ऑन, लेट अस कीप इट सेपरेट, उसको पार्क करते साइड में कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए। अभी मैं बात करता हूं एक ऐसी सिचुएशन की जहां पे मैंने ये कहा कि मेरे दोस्त प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ला आज मैं तुझे 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर देता हूं और बदले में मैं तुझे 5 साल के बाद में 10 रुपए के 10 इक्विटी शेयर इशू कर दूंगा। वो मान गया। एक्चुअल में आज ही देखा जाए तो मैंने 100 रुपए लेके 10 रुपए के 10 इक्विटी शेयर देने का वादा कर दिया। प्रेफरेंस शेयर तो सिर्फ 5 साल के लिए एक टेम्पररी लीगल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में अग्री कर जाता है तो वो एक्चुअल में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसका कंपनी में कोई एज सच राइट ही नहीं है सिर्फ नेट असेट्स में हिस्सा लेने का 5 साल के बाद। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोले कि यार 5 साल के बाद एक बात बताओ, मुझे आप इक्विटी शेयर्स दोगे 5 साल तक के मेरे रिटर्न का क्या? मैंने बोला डिविडेंड बटेगा तो तुझे भी मिलेगा। उसने बोला कभी नहीं बटा तो हम लोग क्यूमुलेटिव शेयर दे देते हैं, 1 साल नहीं मिला तो अगले साल 2 साल का मिलेगा। उसने बोला 2 साल नहीं मिला तो हमने बोला अगले साल 3 साल का मिलेगा और वोटिंग राइट्स भी आ जाएंगी, 2 साल का डिविडेंड अरियर में होता है। उसने बोला 5 साल तक आपने किसी को भी डिविडेंड नहीं बांटा तो क्या मुझे बांटोगे? मैंने बोला नहीं बटेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओनली हैव अ प्रेफरेंस इन डिविडेंड्स, यानी डिविडेंड बटा तो उन्हें भी मिलेगा, पर वो ये नहीं बोल सकते मुझे दो। तो 5 साल बाद जब इनकी कन्वर्जन डेट आएगी टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो सवाल ही उठेगा कि 5 साल के डिविडेंड अरियर्स में थे, आफ्टर 5 ईयर्स हम इन्हें क्या देंगे? मैंने बोला भाई डिविडेंड तो अलग ही मुद्दा था, नहीं बटा तो अब नहीं बटा, हम तुम्हें इक्विटी शेयर दे देते हैं, ये लो 10 इक्विटी शेयर, मामला खत्म। तो ये वाकई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इनका एज सच कोई अलग से अधिकार नहीं है, रेसिड्यूअल इंटरेस्ट है नेट असेट्स में, रेसिड्यूअल इंटरेस्ट। लेकिन मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर तुमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये बोल दिया होता कि 5 साल के बाद में अगर तुम्हें 5 साल के कोई भी साल का डिविडेंड अरियर में नहीं मिला तो आफ्टर 5 ईयर्स मैं तुम्हें उतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ज्यादा इशू कर दूंगा ताकि तुम्हारा डिविडेंड कंपनसेट हो जाए, आप बताओ ऐसी कॉन्ट्रैक्ट में अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर शुरू के 5 साल में क्या ओनर के जैसा बिहेव कर रहा है क्या कि चलो किसी को नहीं मिला तो मुझे भी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अपनी है, या परायों की तरह बिहेव कर रहा है? ये तो पराया ही बिहेवियर हो गया कि भैया 5 साल तक मुझे कुछ नहीं मिला तो चलो 5 साल बाद अभी इक्विटी शेयर दोगे ना तो मुझे ज्यादा शेयर देना। दोस्त क्यों ज्यादा देना? क्योंकि मैंने डिविडेंड का सैक्रिफाइस किया है। जो आदमी सैक्रिफाइस का कंपनसेशन मांग रहा है वो इक्विटी हो ही नहीं सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को इंडेक्स में कैसे डाला गया कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में इक्विटी शेयर्स को वेरिएबल नंबर में इशू करोगे, यानी फिक्स्ड नंबर में इक्विटी शेयर नहीं दोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड में चेंज, देन इन दैट पर्टिकुलर केस एक्चुअल में सही मायने में दिल में देखा जाए तो आप इक्विटी शेयर को सिर्फ एक तरीके में यूज कर रहे हो। किस तरीके से? जो सामने वाले का अधिकार है, राइट है मांगने का, उसको पे करने के लिए आप इक्विटी शेयर एज अ करेंसी यूज कर रहे हो। तो आपने बोला ठीक है तेरा डिविडेंड अरियर में गया तो मैं उतने की वर्थ के तेरे को इक्विटी शेयर दे दूंगा, इसका मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आप जो दे रहे हो यू आर इशूइंग इट एज अ करेंसी। हेंस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन इक्विटी टुडे, ये डे 1 पर क्लासिफाई होगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी, 5 साल के बाद में ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट होके जितने शेयर इश्यू होंगे वो शेयर क्रेडिट होके फिर उसके बाद से वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटी कहलाएगा।
पार्ट वन. पार्ट टू, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने की बजाय नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स इशू हो रहे हैं लेकिन जो कंसिडरेशन मुझे मिल रहा है वो वेरिएबल है? पॉसिबल है. इसका मतलब सपोज मैंने कहा कि मैं 5 साल बाद फिक्स तुम्हें 10 इक्विटी शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू के दूंगा और उसके बदले में मैं ये मान लूंगा कि तुम्हारे उतने प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए जितने प्रेफरेंस शेयर्स मेरे 10 इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू के बराबर के होते. यानी अगर मेरे एक इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू 8 रुपए है तो मैं मानूंगा कि 80 रुपए का ही प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है, यानी 20 रुपए मैं तुम्हें अलग से कैश दूंगा. या अगर 12 हो गई इक्विटी की वैल्यू तो मैं मानूंगा कि प्रेफरेंस शेयर पूरे रिडीम हो गए, पर 10 फिक्स इशू करूंगा, कम नहीं करूंगा. सही मायने में अगर आप ऐसा कर रहे हो कि 10 फिक्स से जो मुझे कंसिडरेशन मिलेगा वो फिक्स नहीं है वो वेरिएबल है, तो इनडायरेक्टली बात तो वही हो गई कि आप सामने वाले को एक तरह का रिटर्न गारंटी कर रहे हो, यानी उसका नेचर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का नहीं है. तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप अपने इक्विटी शेयर इशू करने का वादा करते हो तो ये समझ लीजिए कि आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है और जो नंबर ऑफ शेयर्स जा रहे हैं अगर दोनों फिक्स है तो ही वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है. अगर इन दोनों में से एक भी चीज फिक्स नहीं है तो फिर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है. यानी नंबर ऑफ शेयर्स गिवन विल वेरी और द कंसिडरेशन विच यू विल रिसीव विल वेरी. इन एनी ऑफ द केसेस दोनों में से एक भी वेरी करेगा तो फिर ये अपने आप में डे वन पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई नहीं होगा. तो सिंपली अगर मैं इसका एक सिंपल सा टेबल बनाऊं तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू बी इशूड फिक्स, कंसिडरेशन अगेंस्ट विच दे आर इशूड इफ दिस इज फिक्स्ड ओनली इन दिस केस इट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. अगर ये फिक्स है ये वेरिएबल है ये वेरिएबल है ये फिक्स है दोनों वेरिएबल हैं, इन ऑल दीज सिचुएशंस आई विल सिंपली से दैट दीज आर नॉट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, हेंस दे विल बी कैटेगराइज्ड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटीज. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. और बहुत लॉजिकल और सोच समझ के इस तरह का क्या किया गया है, डिस्कशन किया गया इंडेस में, क्योंकि सिंपल सा फंडा है. इक्विटी तभी मानो जब सामने वाले का रेसिडुअल इंटरेस्ट है, कोई अधिकार नहीं है. जब कोई बोले कि मुझे कम से कम इतना रिटर्न तो चाहिए, इसके बराबर के इक्विटी शेयर देना वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर इशूड, वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी. जब हम बोले शेयर इतने देंगे और इससे इसके बदले में हमें माना जाएगा कि इतना कंसिडरेशन आपका पे हुआ है, बचा हुआ हम आपको बैलेंस अलग से पे करेंगे, यानी कंसिडरेशन रिसीवेबल इज वेरिएबल, देन ऑल्सो इट इज नॉट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी. इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन करना है कौन से कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दोगे फिक्स टू फिक्स है, देन ओनली इक्विटी, इन ऑल अदर केस इट विल बी अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी. ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल होंगे. देख क्यों लगता है ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल होंगे तो आज ही इक्विटी होगा, लेकिन इन केसेस में ही इक्विटी होगा, बाकी केस में इक्विटी नहीं होगा. अब अपन इसमें अगला एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं. लेट अस कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूं. सपोज मैं कहता हूं कि मैंने एक कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया और X% कन्वर्टेबल डिबेंचर है. देखा जाए तो इस डिबेंचर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं. एक इसका इंटरेस्ट पेमेंट है जो फिक्स्ड है और दूसरा इसका ड्यू डेट पर कन्वर्जन होगा. एंड आई एम अज्यूमिंग कि कन्वर्जन वुड बी इन फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट अ फिक्स्ड कंसिडरेशन दैट 100% डिबेंचर्स वुड बी अज्यूम टू बी कन्वर्टेड और रिडीम्ड और सेटल्ड. अब देखिए ड्यू डेट पे कन्वर्जन है, इसका मतलब मैं क्या इशू करने वाला हूं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स विल बी इशूड. अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ साफ तौर पे कि ये तो एक तरह का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया. लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूं फिक्स्ड,
इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। यानी ये एक ही इंस्ट्रूमेंट अगर देखा जाए तो इट इज अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इसमें दोनों शामिल है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट में क्या करना चाहिए, क्या मैं पूरे को फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान लूं ये बोल के कि ये तो अधिकार से ब्याज मांग रहे हैं, पर प्रिंसिपल के लिए तो ये अधिकार से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। इसका मतलब आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को एक कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट मानोगे, और कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट को आप दो पार्ट में इनिशियल अकाउंटिंग में स्प्लिट करोगे। एक पार्ट कहलाएगा इक्विटी, विच इज एक्चुअली द कन्वर्जन वैल्यू ऑन द ड्यू डेट, और दूसरा पार्ट कहलाएगा लाइबिलिटी, विच विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो आज आपने ये डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया है और 5 साल का है, 5 साल तक समझो 10% से आपको ब्याज देना है, तो 10 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। इसका हर साल 10 10 10 करके आप रीपेमेंट कर दोगे, बची हुई बैलेंसिंग फिगर को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। सर ऐसा कर सकते हैं क्या, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो देना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इक्विटी मान लो और बचे हुए को फाइनेंशियल लाइबिलिटी? ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही समझाया इक्विटी के वैल्यूएशन से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो ओनर की वैल्यू है, ओनर का वैल्यूएशन करोगे तो किसको फर्क पड़ना है ओनर। मतलब इसका सिंपल है, पहले फाइनेंशियल लाइबिलिटी निकलती है, बैलेंसिंग फिगर को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। लेट अस टेक अनदर केस, लेट अस टेक अ केस ऑफ कन्वर्टिबल कम रिडीमेबल डिबेंचर। अब ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, अगर डिबेंचर कन्वर्टिबल कम रिडीमेबल है तो ये मुद्दा अलग हो गया। हमें देखना है कि कन्वर्टेबल कम रिडीमेबल में ऑप्शन किसके पास है। अगर ऑप्शन होल्डर के पास है तो फिर ये 100% फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, लेकिन अगर ऑप्शन कंपनी के पास है तो फिर ये अपने आप में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, अनलेस द चांसेस आर रिमोट टू सेटल इन इक्विटी, दैट मींस रिमोट टू कन्वर्ट, दैट मींस द चांसेस आर ऑलमोस्ट कंफर्म दैट आई विल रिडीम इट। लेकिन इसमें ध्यान रखना, हो सकता है कि ये जो पोर्शन अपन ने बात की है फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये तो किसकी बात हो गई, दिस इज एक्चुअली व्हाट ड्यू डेट पे जो इसका कन्वर्जन रिडम्पशन हो रहा है ये उसकी बात हो गई। देखा जाए तो इसमें भी तो एक इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट होगा, और जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट होगा वो तो डेफिनेटली क्या होगी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। बट इस फाइनेंशियल लाइबिलिटी में हो सकता है कि कुछ इक्विटी छुपी हो, और ये इक्विटी कब छुपी हुई मानी जाती है, व्हेन यू आर एबल टू इश्यू डिबेंचर्स एट लोअर देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको एक डिबेंचर इशू किया 10% पे, आपने सब्सक्राइब कर लिया, वही कंपनी 8% पे इशू करेगी तो आप सब्सक्राइब नहीं करोगे क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन 10 थी, लेकिन कंपनी ने बोला भाई 8% पे ले ले यार, बदले में मैं तुझे ऑप्शन देता हूं, एक तुझे मतलब होल्डर मैं तुझे एक ऑप्शन देता हूं, यू हैव अ कॉल ऑप्शन। क्या कॉल ऑप्शन है, कि तुम चाहो तो आज से क्या करना, ड्यू डेट पर आने पे क्या करना, हमारी कंपनी के शेयर्स मांग लेना, यानी इसका सेटलमेंट शेयर्स में करवा लेना। आपने बोला यार इस कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, क्या इश्यू है बताओ तो। मैंने बोला 1:1 एक डिबेंचर पे एक शेयर, आपने बोला अरे वाह कंपनी का एक शेयर तो मार्केट में 110 पे ट्रेड हो रहा है, वो डिबेंचर तो सिर्फ 100 रुपए में मिल रहा है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये तो, ले लो 8% पे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 8% पे भी चलेगा, 5 साल बाद एक शेयर ले लूंगा, 110 तो आज कीमत है, और बढ़ गई उसकी तो मेरा तो रिटर्न बढ़ जाएगा, तो मैं जो 2-2% का ब्याज सेक्रीफाइस कर रहा हूं यहां पर वो कंपनसेट हो जाएगा इक्विटी में इसे कन्वर्ट करा के। इसका मतलब आप ब्याज की सैक्रिफाइस को किससे सेट ऑफ कर रहे हो, एक तरह से देखा जाए तो बाय अ लॉस ऑफ प्रीमियम ऑन द शेयर्स। आप चाहते तो उसको कन्वर्ट करते समय कम शेयर्स दे सकते थे, पर आपने ज्यादा दिए क्योंकि इधर आपने ब्याज कम दिया, यानी आपका ब्याज किससे एडजस्ट हो रहा है, आपके प्रीमियम से। इसका मतलब आपके इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट के दो पार्ट है, एक इक्विटी कॉम्पोनेंट और एक लाइबिलिटी कॉम्पोनेंट।
ऐसे केस में अकाउंटिंग करते समय हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर बिना कन्वर्जन ऑप्शन के डिबेंचर इशू होता तो 8% वाला डिबेंचर बिना कन्वर्जन ऑप्शन के इशू होता तो 10% ब्याज लगता, अगर 10% ब्याज लगता तो हम मानेंगे 10% ही ब्याज है, इसके कैश फ्लोज को 10% से डिस्काउंट करके फाइनेंशियल लाइबिलिटी बुक करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको इक्विटी कॉम्पोनेंट मान लेंगे। हालांकि इसकी पूरी अकाउंटिंग इंडेक्स 109 में कवर होगी। और इसमें एक आखिरी सिचुएशन डिस्कस करता हूं मैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं, अब हम यहां पे हमने बोला था इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ये रिडीमेबल है या कन्वर्टेबल, तो अभी हमारा फोकस ज्यादा किसके ऊपर है, क्यूमुलेटिव मैटर पे। ऑब्वियस बात है रिडीमेबल है तो ये 100% फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, कन्वर्टेबल है तो उस पर्टिकुलर केस में ऑब्वियसली इट विल बी एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अभी अपन बात कर रहे हैं डिविडेंड पेमेंट की। दोस्तों क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? सर बहुत सिंपल है, हर साल डिविडेंड मिलेगा, एक साल नहीं मिला तो अगले साल 2 साल का मिलेगा, शाबाश बच्चों, 2 साल नहीं मिला तो अगले साल 3 साल का मिलेगा और वोटिंग राइट्स भी मिलेगी, शाबाश बच्चों। लेकिन 3 साल भी नहीं मिला तो हाँ 3 साल में ये प्रेफरेंस शेयर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन, रिडम्पशन। तो 3 साल बाद जब आप इसे रिडीम करोगे तो रिडीम करते समय क्या आप इसको सिर्फ इसका प्रिंसिपल दोगे या 3 साल का अरियर्स ऑफ डिविडेंड भी पे करोगे? गुड क्वेश्चन सर। अरे क्या गुड क्वेश्चन, बताओ क्या करेंगे? आंसर देना तो चाहिए, नहीं तो मतलब ही क्या हुआ क्यूमुलेटिव का। और अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो फिर ये तो डिबेंचर ही हो गया, क्योंकि ये तो फिक्स रिटर्न मांग रहा है, बस फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इस साल के कैश फ्लो को अगले साल कर दो, अगले साल के उसके अगले साल। बात तो सही है। दोस्तों प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर लॉ में कहीं कुछ नहीं लिखा है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर का पूरा ट्रीटमेंट विल बी डिपेंडेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विच यू एंटर विद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रोस्पेक्टस में टर्म्स हैं वो बताएंगे। Cumulative preference share, full stop, does not means that they have a mandatory right to receive dividend for all years. इसका मतलब 3 साल बाद जब वो redeem होंगे तो cumulative preference share के पास अधिकार सिर्फ किसका होगा? प्रिंसिपल मांगने का। 3 साल के arrears of dividend नहीं मांग पाएंगे जब तक उनके contract में लिखा ना हो। उनके पास सिर्फ अधिकार है क्या मांगने का? डिविडेंट पहले लेने का, यानी बटेगा तो लाइन में सबसे पहले वो खड़े होंगे, अगर बटा ही नहीं तो ये लोग मांग नहीं सकते। हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि दे विल रिसीव डिविडेंड इफ नॉट ऑफ 1 ईयर देन सेकेंड ईयर ऑफ 2 ईयर्स, इफ नॉट देन थर्ड ईयर में 3 साल का, और नहीं तो रिडम्पशन की वैल्यू उतने से बढ़ के मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ये डिविडेंड एक तरह का मैंडेटरी डिविडेंड हो गया। अब दोस्तों एक चीज समझना, डिविडेंड अगर कुछ भी नहीं दिया है तो मैंडेटरी नहीं है, भले ही प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है। आपको पता होगा साइलेंट होता है क्वेश्चन, तो प्रेफरेंस शेयर को क्यूमुलेटिव माना जाएगा और डिविडेंड मैंडेटरी नहीं माना जाएगा। अब ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम प्रेफरेंस शेयर को क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि डिविडेंड मैंडेटरी है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा, मैंडेटरी नहीं है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होगा। तो फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ही क्लासिफिकेशन हमें देखना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर से फॉर एग्जाम्पल रिडीमेबल है तो लाइबिलिटी हो जाएगी, और कन्वर्टेबल ओनली है तो उस केस में इक्विटी हो जाएगा। रिडीमेबल और कन्वर्टेबल है तो डिपेंड करेगा किसके पास ऑप्शन है, पूरा ऐसा हो जाएगा जैसा अभी अपन ने डिबेंचर के लिए पढ़ा था। बस इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, अगर डिविडेंड मैंडेटरी नहीं होते यानी डिस्क्रिशनरी है, भले ही फिर क्यूमुलेट हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जब भी डिविडेंड बटेगा ये माना जाएगा कि ये डिस्क्रिशनरी पेमेंट है, कंपनी ने अपनी इच्छा से किया है और इच्छा से दिया है, इसका मतलब इट इज अ पेमेंट टू इक्विटी होल्डर, यानी डिविडेंड पेड हमेशा 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 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यानी डायरेक्ट इक्विटी से एडजस्ट होगा, जिसे अपन पुराने जमाने में P&L अप्रोप्रिएशन बोलते थे। इट विल नॉट गेट एडजस्टेड फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, नॉट इवन OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में अगर मैं क्यूमुलेटिव की बात करूं तो क्यूमुलेटिव डज नॉट मींस मैंडेटरी, एंड हेंस इन सच इंस्ट्रूमेंट इफ डिविडेंड पेड इट इज डिस्क्रिशनरी
hence will be debited. From equity in statement of changes in equity directly. I hope ab sare ke sare aspects aapke clear ho gaye. Just in case if you want to recapitulate this particular thing, then you should rewind the video and you should look at it once again. Apni pen drive ki tarah isme views ke koi restriction nahi hai, bindaas jitni baar dekhna hai dekh lo, bas attempt samne iska dhyan rakhna aap. ठीक है, चलिए तो ये हमारा डिस्कशन होता है सेकंड पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग एंटिटीज सेटलमेंट इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें पहला केस हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. डिलीवर हमने खुद के इंस्ट्रूमेंट करना है, हमें फिक्स टू फिक्स पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जहां पे हमें खुद के इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करना है लेकिन उन इंस्ट्रूमेंट्स में एक पोर्शन लाइबिलिटी और एक इक्विटी हो सकता है. इसके अलावा हमारा इंडेस एक तीसरी बात करता है विच इज कंटिंजेंटली सेटलेबल प्रोविजंस. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजंस, दिस बेसिकली इज अ मैटर ऑन कंटिंजेंट. आप समझते हो कंटिंजेंट का मतलब ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट. नाउ व्हेन आई से हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, एक बेसिक सी चीज दोस्तों हमेशा 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 याद रखना. अगर मैं आपको कहूं कि एक साल बाद 100 शेयर्स इशू करूंगा, दो साल बाद 250 शेयर इशू करूंगा, तीन साल बाद 300 शेयर दूंगा, ये कंटिंजेंट नहीं है क्योंकि समय का बीतना तय है. कंटिंजेंट कब होगा, मैं कहूं एक साल बाद कंपनी के प्रॉफिट 10% बढ़ गए तो 100 शेयर इशू करूंगा, दो साल बाद 20% बढ़ गए तो 100 शेयर इशू करूंगा, ये कंटिंजेंट है. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो अगर आपने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जहां पे आपके इक्विटी शेयर कंटिंजेंटली इश्यूएबल, यानी हो सकता है कि हमें इश्यू करना पड़े, तो सवाल ये उठता है कि फिर इस पर्टिकुलर केस में क्या ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाए और इसे आज अकाउंट फॉर किया जाए या अभी इसे इग्नोर कर दिया जाए. इंडेस बोलता है कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन में आप बस ये देख लो कि इफ ऑल settlement options would lead to issue of equity instruments only, then such contingent settlement provision is in nature of equity, hence no accounting required presently. अभी जरूरत नहीं है. कब जरूरत पड़ेगी, जब एक्चुअल में हम इश्यू करने जाएंगे. अभी से परेशान मत हो. ज्यादा से ज्यादा इसको शेड्यूल 3 डिवीजन 2 के अंतर्गत ऑप्शन ऑन शेयर कैपिटल की, हमारे शेयर कैपिटल पे ऑप्शन है, आने वाले समय में हो सकता है कि हमें हमारे शेयर्स इश्यू करना पड़े, उसके डिस्क्लोजर में शामिल कर देना. बाकी आपको अकाउंटिंग नहीं करना है. लेकिन आपको लगता है कि आपने जो कंटिंजेंटली सेटलेबल प्रोविजन बनाया है, इसमें हो सकता है कि इक्विटी शेयर्स की बजाय आपको कैश भी देना पड़ जाए. इट इज लाइक मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने कहा कि इन दिस पर्टिकुलर लोन अगर मेरी कंपनी के शेयर की प्राइस एक्स से ऊपर गई तो इसका सेटलमेंट शेयर से होगा, नहीं तो कैश में होगा. दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें शेयर्स की बजाय कैश भी चले जाए. ऐसे केस में फिर ये क्या होगी, इट विल बी क्लासिफाइड एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी. और फिर इसमें इंडेस 109 में फाइनेंशियल लाइबिलिटी के जो प्रोविजंस लगते हैं अकाउंटिंग के, वो प्रोविजंस हमारे एप्लीकेबल हो जाएंगे. ठीक है, इसमें भी ध्यान रखना नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आप जो इशू करोगे वो फिक्स होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू होंगे तो फिर अदरवाइज उसका नेचर फाइनेंशियल लाइबिलिटी का होगा. यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है कि फिक्स टू फिक्स टेस्ट शुड मीट. तो बेसिक हम बात क्या कर रहे हैं, कई बार कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ऑप्शंस होते हैं, आगे जाके हो सकता है हमें शेयर देना पड़े, कैश देना पड़े. लेकिन ये वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जैसा कन्वर्टेबल रिडीमेबल डिबेंचर है. क्यों, क्योंकि वो कंटिंजेंट नहीं है, वो तो सर्टन है. कंटिंजेंट क्या है, कोई अनफोर्सीन इवेंट, कोई ऐसी इवेंट जो हमारे हाथ में नहीं है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आगे हमें क्या करना पड़ेगा. जैसे आपने ईसॉप्स पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा शेयर की प्राइस अगर इतनी हो गई तो हम इतने शेयर देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, कम शेयर देंगे, उसे कंटिंजेंसी कह सकते.
तो अगर मैं कह रहा हूं भाई शेयर की प्राइस बढ़ गई तो इतने शेयर, कम रह गई तो इतने शेयर, तो ये दोनों ही केस में शेयर ही देना है ना मुझे, और दोनों ही केस में फिक्स नंबर ऑफ शेयर है जो पहले से प्री डिटरमाइंड है। इसका मतलब फिर ये अपने आप में क्या होगा, इट विल बी एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इसको अभी कुछ नहीं करने की जरूरत है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईसॉप्स, क्योंकि ईसॉप की अकाउंटिंग इज सेपरेटली कवर्ड अंडर इंड एज 102 शेयर बेस्ड पेमेंट्स। हम बात कर रहे हैं अदर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो 102 में कवर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसका डिस्कशन हो जाता है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अपने इक्विटी शेयर्स हमको देने की जरूरत पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे उन कॉन्ट्रैक्ट्स की जिसमें हमें अपने इक्विटी शेयर्स मिलने की गुंजाइश हो सकती है। दैट मींस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिसीव ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है। अपने को अपने ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कैसे मिलेंगे? बस सर कॉन्फिडेंस है अपने को खुद पर, हमने सोचा किसमें इन्वेस्ट करें, तो हमने बोला एक काम करते हैं खुद के ही शेयर्स खरीद लेते हैं। बहुत बढ़िया, बायबैक हो जाएगा ये तो। तो क्या यहां बायबैक की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं क्या हम, बोल सकते हैं आप। एक कंपनी खुद के इक्विटी शेयर्स, एक कंपनी खुद के इक्विटी शेयर्स खरीद रही है, क्या ये पॉसिबल है? अलाउड ही नहीं है। कंपनीज एक्ट बोलता है कि यू कैन नॉट बाय बैक योर ओन इक्विटी शेयर्स एक्सेप्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसके फिर आपके सेक्शन 68 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी कि बायबैक के नियम फॉलो करके ही आप अपने शेयर बायबैक कर पाओगे। हाँ तो ठीक है, नियम फॉलो करके करेंगे तो भी हो तो सकते हैं, तो अकाउंटिंग तो होगी, दैट्स द पॉइंट। तो इफ यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव योर ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी हमारी होगी जिसमें हम बात कर रहे हैं, we have written a put option which is something relating to a putable instrument. हमने एक put option underwrite किया है, किस पे? On own equity instruments. और हम कौन है? Company is writer of the option. यानी सामने वाले के पास option है कि वो चाहे तो हमारे shares जो उसके पास रखे वो हमें वापस दे सकता है और मुझे cash देना पड़ेगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। अगर ये उसकी डेफिनेशन मीट करेंगे तो इक्विटी होगा, नहीं मीट करेंगे तो उस केस में फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव कवर्ड। यहां पे हमें एक स्पेशल डिस्कशन करना है बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडियरी का। सेकेंड होगा बेसिकली बायबैक, और बायबैक से ही एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है जो इंडिया में कम देखने को मिलता है, विच इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू ट्रेजरी शेयर्स। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कई स्टूडेंट्स को कई बार दिमाग में फिट नहीं होता है। आई ट्राइड माय अटेम्प्ट, आई विल मेक एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन यू वेल। तो पहला तो आपको पुट ऑप्शन समझ में आ गया दोस्तों, पुट ऑप्शन ऑन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। मैंने बोला भाई सामने वाले की इच्छा है तो वो मुझे अपने शेयर्स दे सकता है, मैं खरीद लूंगा। पुटेबल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहा हूं, और वो स्पेशल केस क्या है? नॉर्मली ये सिचुएशन कब पैदा होती है? जब पेरेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है समझना, पेरेंट गिव्स एन ऑप्शन टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सब्सिडरी टू सेल इट्स होल्डिंग इन सब्सिडरी टू पेरेंट। समझ गए आप इसका मतलब क्या हुआ? वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन वेयर वी हैव अ पेरेंट एंड अ सब्सिडरी। अब पेरेंट की एक सब्सिडरी है, लेकिन सब्सिडरी में एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। मैंने उस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को बोल रखा है कि भाई तेरी कभी भी इच्छा हो तो तू क्या करना, तेरे पास जो सब्सिडरी के शेयर्स रखे हुए हैं वो मुझे बेच देना। यानी एक तरह से सब्सिडरी में मेरा स्टेक क्या होगा, और बढ़ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो ग्रुप कंपनी का शेयर ग्रुप के बाहर है वो ग्रुप में ही आ जाएगा। तो ये है तो एक फॉर्म ऑफ बाइंग बैक ऑफ शेयर्स, बट नॉट ऑफ द कंपनी, ऑफ द सब्सिडरी। सेक्शन 68 प्रोहिबिट करता है सब्सिडरी को होल्डिंग के शेयर्स खरीदने से। होल्डिंग सब्सिडरी के शेयर्स डेफिनेटली परचेज कर सकती है। सब्सिडरी अगर होल्डिंग के शेयर खरीदेगी तो मामला बिगड़ जाएगा, जिसके ऊपर अभी अपन आते हैं। होल्डिंग ऑब्वियसली सब्सिडरी के शेयर खरीदेगी तभी तो वो उसके पास कंट्रोल आएगा।
अब ऐसी सिचुएशन में बोला क्या गया, छोटी सी बात है, तो अपन एक बात यहां पे डिस्कशन ऐसा कर रहे हैं कि दो मिनट के लिए ये समझ लीजिए कि से फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि मिस्त्री भाई का, मिस्त्री भाई का से फॉर एग्जाम्पल एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है से टाटा मोटर्स में, और टाटा मोटर्स की होल्डिंग कंपनी से टाटा सन्स एक आर्बिटरी एग्जाम्पल है, से रतन टाटा एंड सन्स नाम की अपन एक आर्बिटरी कंपनी बनाते हैं। रतन टाटा एंड सन्स की एक सब्सिडरी है टाटा मोटर्स, जिसमें एक माइनॉरिटी स्टेक है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है साइरस भाई के पास। हमने साइरस भाई को बोला, भाई तुम्हारी जब इच्छा हो ना तुम्हारे शेयर्स बेच देना, किसे? टाटा मोटर्स के जो शेयर तुम्हारे पास है वो बेच देना, किसे? रतन टाटा एंड सन्स को, उसकी होल्डिंग कंपनी को बेच देना। इसके पास क्या है? एक पुट ऑप्शन है। किसने अंडरराइट किया है? सब्सिडरी ने नहीं, उसके पेरेंट ने। तो इससे क्या होगा, हमारे ग्रुप के शेयर जो बाहर है वो हमारे पास आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा? पहली बात, ये शेयर किसके पास है दोस्त? है किसका शेयर? टाटा मोटर का। तो टाटा मोटर के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये जो मिस्त्री के पास शेयर है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही होगा, क्योंकि टाटा मोटर्स ने किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं दिया इसे वापस लेने का। ये पुट ऑप्शन मोटर्स, टाटा मोटर्स सब्सिडरी ने नहीं दिया। तो ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस इंस्ट्रूमेंट को क्या दिखाएगा? दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी शोन एज अ पार्ट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय एनसीआई ऑफ सब्सिडरी के पास अगर कोई पुटेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे एनसीआई में शो करने की बजाय हम अलग से फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनाते हैं, क्योंकि ग्रुप एज अ होल के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ कैश टू बाय द शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी हेल्ड विद एनसीआई। वो कॉन्सेप्ट वहां जो पुटेबल में मैंने आपको आखिरी में पढ़ाया था उसको मैंने यहां पर रिलेट किया है। ये बहुत ही अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्सेप्ट है। आई डू नॉट से इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग रिलेटिंग टू कंसोलिडेशन आई थिंक वी शुड नॉट मिस इट, क्योंकि कंसोलिडेशन एज सच अगर आप देखोगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन ये इंडेक्स की जान है। अगर आप इनको अच्छे से समझ के एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग यू हैव हैड योर फूड विदाउट सॉल्ट, आपने स्वाद ही नहीं चखा इंडेस का। तो इसके लिए सिंपली क्या बोलेंगे, टाटा मोटर्स के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप इसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मानना, लेकिन टाटा सन्स जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा उसमें आपको इस पुट ऑप्शन को एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी शो करना होगा एंड नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीआई। वेरी टिपिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बायबैक पर आइए, ये भी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। बायबैक की अकाउंटिंग किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर्ड नहीं होती है, इंड एस 32 इसकी अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब करता है। क्या बोलता है बायबैक क्या है? मैंने ऑप्शन दिया कि भाई तुझे मेरी कंपनी के शेयर्स मुझे वापस लौटाना है, मुझे यानी कंपनी को वापस देना है, तो उस केस में मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तू शेयर्स दे देना। मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे तो मैं रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। इट्स अ फाइनेंशियल डिसीजन जो आप SFM में समझते पड़ते हैं। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ऑप्शन दिया कि भाई तेरी इच्छा है तो पैसे लेके शेयर मुझे वापस दे देना। ये पुटेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्योंकि इसमें पहले से ऑप्शन नहीं था। ये तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफर दिया है कि कोई शेयर बेचना चाहे तो मैं बायबैक करने को तैयार हूं। अब दोस्तों अगर आपने आज ये ऑफर दे दिया और आपने सामने वाले को बोला कि तेरे पास एक महीने, एक साल, दो साल, पांच साल का राइट एक्सरसाइज करने का, प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखा जाए इस पर्टिकुलर केस में तो आपके सर पे तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश आ गया। यहां पे आप जो पेमेंट उसे करोगे वो नॉर्मली प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट नहीं होगा। हाँ हमें थोड़ा ज्यादा ही देना पड़ेगा, नहीं तो वो मानेगा नहीं। तो इसका मतलब इसे हमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्लासिफाई करना होगा। इंडेक्स क्या बोलता है, कैसे करना क्लासिफाई? सपोज आपने 100 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर बायबैक करने के लिए प्रस्ताव दिया है 150 रुपए पे करने का, तो आज आप अपनी बुक्स में क्या करना, 150 रुपए की फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट कर देना, और ये 150 रुपए डेबिट P&L से मत करना, क्योंकि एक तरह से इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन टू द ओनर्स। कमा कौन रहा है इससे? जो इक्विटी शेयर होल्डर शेयर वापस दे रहा है।
यानी कमाने वाला कौन है? ओनर। ओनर है इसका मतलब ये कंपनी का खर्चा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से ऑब्वियसली विद परमिशन ऑफ रिमेनिंग ओनर। स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है बायबैक में 25% से ज्यादा हो तो, सॉरी 10% से ज्यादा हो, 25% तक मैक्सिमम बायबैक है, यू नीड अ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो मेजोरिटी लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको। मैंने बोला चल भाई पैसे ले ले, ज्यादा पैसे दे रहा हूं ताकि मोटिवेट हो तू मुझे पैसे शेयर्स देने के लिए, ये लॉन्ग टर्म में मेरे रिमेनिंग शेयर होल्डर को मदद करेगा। पर क्योंकि मैं पैसे ज्यादा दे रहा हूं, ये तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट तो दूर दूर तक नहीं है। इसका मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज वॉट, इट्स अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। आज इसे बुक कर दो, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट कर दो। डेबिट किसे करना? इसे खर्चा मत मानना, डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर है, डेबिट इक्विटी को करोगे। यानी बायबैक की अकाउंटिंग आप जब भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा, अकाउंटिंग एंट्री आपकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? यू विल डेबिट इक्विटी। ध्यान रखना मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखा है, वो डेबिट होगा जब बायबैक होगा तब। और आप क्रेडिट करोगे किसको? फाइनेंशियल लाइबिलिटी। सवाल ये उठता है किस वैल्यू पे किया जाएगा? इन डेज बोलता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी वुड बी क्रेडिटेड एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बायबैक प्राइस। यानी अगर बायबैक में कंसिडरेशन पे करने के लिए आपने लंबा समय लिया है, तो आप जो फ्यूचर में कंसिडरेशन पेबल है उसकी प्रेजेंट वैल्यू पर फाइनेंशियल लाइबिलिटी बुक करोगे, और यही सेम वैल्यू से इक्विटी डेबिट होगी। आज के बाद ये इक्विटी क्या होगी? दिस इक्विटी विल बी कैरीड एट सेम वैल्यू जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी, क्योंकि मैंने आपको बताई इक्विटी का वैल्यूएशन करके कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी को एज पर इंडेस 109 अकाउंट फॉर किया जाएगा, और वहां पे हम इसे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगा के हौले हौले फ्यूचर वैल्यू पे ले आएंगे, इंटरेस्ट का एक्सपेंस अलग से बुक कर देंगे। ये किसकी जर्नल एंट्री है दोस्तों? दिस इज जर्नल एंट्री ऑन कंपनी टेकिंग द बायबैक ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन एक बार आपने ले लिया उसके बाद क्या होगा? एक ना एक दिन आएगा 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 जिस दिन बायबैक हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। वाह वाह बहुत बढ़िया सर। तो जिस दिन हमारा बायबैक कंप्लीट हो जाएगा, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ जर्नल एंट्री विच इज एक्चुअली ऑन बाइंग बैक ऑफ द शेयर्स। आप बताइए क्या एंट्री होगी? अब शेयर क्योंकि बायबैक कर लिए तो अब समय आ गया है शेयर कैपिटल को खत्म करने का, और शेयर कैपिटल खत्म करने का मतलब डेबिट हो जाएगा अब आपका इक्विटी शेयर कैपिटल किससे? फेस वैल्यू से। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? तो दिस विल बी डेबिटेड, और क्रेडिट कर दोगे आप इक्विटी किससे? जो आपने पहले वैल्यू बुक करी थी, पहले कौन सी वैल्यू बुक करी थी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इनिशियल रिकॉग्निशन। तो सर ये वैल्यू तो सेम नहीं होगी, दोनों में डिफरेंस आएगा। शाबाश बच्चों, अब आप बताइए डिफरेंस को कहां डेबिट या क्रेडिट करोगे? पी एंड एल में या इक्विटी में? इक्विटी में, क्योंकि ये सब ओनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, इसे बोलते हैं बायबैक अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट के ऊपर, बायबैक के बाद ट्रेजरी शेयर। अब ये ट्रेजरी शेयर का फंडा क्या है? मैंने क्या किया, शेयर बायबैक कर लिया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि शेयर को बायबैक करके वो वाले शेयर कैंसिल करने की बजाय इश्यू कर दूं? सर कैसी बात कर रहे हो, तो बायबैक ही काय को किया? हो सकता है मुझे नंबर ऑफ शेयर्स कम नहीं करना हो, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम करना। तो एक कंपनी में चार ओनर थे, ए बी सी डी, 25 25 25 25। मैंने बोला कि डी का 25% बायबैक कर लेते, स्पेशल रिजोल्यूशन पारित हो गया, एबीसी ने हाँ बोल दिया, और इसे बायबैक करके कैंसिल करने की बजाय ए को इशू कर देते, उसके लिए ए भी तैयार है, बीसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सर अगर ऐसा ही करना है तो डी को बोलो सीधे ए को दे दे, आप बायबैक करके उसको इशू कर रहे। बट हो सकता है कि इधर हम बायबैक करा के किसी नए ओनर को इशू करें, क्योंकि हो सकता है हम कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे। इस तरह की संभावना भारत में संभव नहीं है, क्योंकि सेक्शन 68 बायबैक का बोलता है शेयर्स विच आर बॉट बैक हैव टू बी कैंसल्ड विद इन 7 डेज।
7 दिन में आपको शेयर कैंसिल करना ही है, यानी आप उस शेयर को रीइशू कर ही नहीं सकते। ऐसे भी सेम क्लास के शेयर 6 महीने तक इशू नहीं होंगे एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ बोनस इशू विच इज जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द शेयर। तो बायबैक किया तो वो शेयर तो कैंसिल होगा ही होगा, आप उसको वापस इशू कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास कभी ऑप्शन होता कि आप बायबैक करो और उन शेयर्स को आप कैंसिल करने की बजाय किसी को इशू कर दो, देन इन दैट केस ऐसे शेयर्स को ट्रेजरी शेयर्स माना जाता है कि मैंने एक अपनी ट्रेजरी बना ली अपने ही शेयर्स की जो मैं बाद में इशू करूंगा। ऐसा आप लोगों ने कभी देखा सुना है क्या? सर होता ही नहीं भारत में, तो कहां से देखेंगे? GFRS अभी पढ़ा नहीं हमने इलेक्टिव पेपर, बता दो आप बैच वैच ले रहे हो तो उसकी होगी दोस्तों रिकॉर्ड होगी, 20 से 25 लेक्चर्स में कवर करेंगे हम उसमें, जिसमें कम से कम 10 केस स्टडीज कवर करेंगे सारे इंडियस IFRS का, एक कंपेरेटिव डिस्कशन करेंगे। 100 मार्क का पेपर है, हम कोई 2-4 केस स्टडीज पढ़ के 2-5 लेक्चर्स में 100 मार्क के पेपर को तैयार नहीं कर सकते, ढंग से पढ़ेंगे अच्छे से तैयार करेंगे। पर अभी तो अपन ने ग्लोबल पढ़ा ही नहीं है, ग्लोबली अलाउड है, इंडिया में अलाउड ही नहीं है, तो आप कैसे पूछ रहे हो सर हमने कभी देखा है क्या? दोस्तों हो सकता है आपने इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग के क्वेश्चन में कभी शेयर सरेंडर के क्वेश्चन सुने हो, जिसमें ऐसा होता था कि हम कुछ लोगों को बोलते थे शेयर होल्डर्स थोड़े शेयर सरेंडर कर दो, और वो सरेंडर शेयर हम क्रेडिटर्स को इशू कर देते थे उनकी लाइबिलिटी सेटल करने के लिए। ऐसा परमिसेबल है? इसका मतलब भारत में ट्रेजरी शेयर का कॉन्सेप्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटी है, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी है व्हेन यू गेट इनटू सम काइंड ऑफ अ रीस्ट्रक्चरिंग अरेंजमेंट और अ काइंड ऑफ अ बिजनेस कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट व्हिच इज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, वेयर कोर्ट अप्रूव्स यू टू कैंसल द शेयर्स एंड सॉरी टू सरेंडर यानी बाय बैक द शेयर एंड रीइश्यू दो शेयर्स टू समवन एल्स। इस केस में ये ट्रेजरी शेयर कहलाएगा। दूसरा एक इंटरेस्टिंग केस हो सकता है दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इच्छा हो तो लगाना। एक दूसरा तरीका ट्रेजरी शेयर्स का क्या होता है, आई टॉक अबाउट अ केस ऑफ से अ होल्डिंग कंपनी एंड अ सब्सिडरी कंपनी। से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नाम देते हैं अपन पोर्श कंपनी का नाम सुना होगा आपने, सुपर प्रीमियम स्पोर्ट्स कार बनाती है, और एक आपकी फॉक्सवैगन है, 10 ऑटो। पोर्श कंपनी बनाती थी स्पोर्ट्स कार, सुपर प्रीमियम, अभी भी बनाती है, सुपर एक्सपेंसिव है ना, भयंकर, पूरी स्टाइपेंड खत्म हो जाएगी आपकी खरीदने में। पोर्श कंपनी को जोश आया, इसने बोला कि यार अपन फॉक्सवैगन को खरीदते हैं, होस्टाइल टेक ओवर करते हैं। तो मालूम है क्या किया, पोर्श कंपनी एक्वायर्ड 20% शेयर कैपिटल ऑफ फॉक्सवैगन, 20% शेयर कैपिटल एक्वायर कर लिया। फॉक्सवैगन आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है। बहुत सारी आपकी ब्रांड्स जो आप देखते हैं जिसमें आपका फॉक्सवैगन, स्कोडा, BMW, ये सब, दीज आर ऑल फॉक्सवैगन ग्रुप कंपनीज, और अब पोर्श भी, क्योंकि जब पोर्श ने 20% शेयर फॉक्सवैगन के खरीदे, इसे आया गुस्सा, और फॉक्सवैगन ने सब्सिक्वेंटली आफ्टर पोर्श एक्वायर्ड 20% शेयर, फॉक्सवैगन एक्वायर्ड कंट्रोल यानी मोर देन 50% शेयर्स ऑन पोर्श। अब आप बताओ दोस्तों, कंपनी दोनों अलग अलग है, एक होल्डिंग है एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी के पास फॉक्सवैगन के 20% शेयर्स थे, अब फॉक्सवैगन के पास सब्सिडरी के मेजर शेयर्स आ गए। अब यहां पर क्या होगा समझना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये अलाउड है, क्योंकि यहां पे सब्सिडरी के पास होल्डिंग के शेयर, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आने से पहले था। सेक्शन 68 बोलता है सब्सिडरी के माध्यम से आप होल्डिंग के शेयर्स नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ बायबैक हो गया। क्यों? मैं अपने शेयर खुद नहीं खरीद सकता, तो मैंने अपने बेटे को बोला कि तू मार्केट से मेरे शेयर खरीद के रख ले, मेरा बेटा मेरी सब्सिडरी मेरे कंट्रोल में, शादी नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने ही शेयर मार्केट से खुद खरीद रहा हूं अपने बेटे के नाम पर, ये अलाउड नहीं। लेकिन कंट्रोल आने से पहले, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल घर में बहू आई है
और उसके पास हमारी कंपनी के शेयर्स पहले से थे, अब वो हमारे कंट्रोल में, अब वो हमारे शेयर खरीदेगी तो दिक्कत है, पर जो पहले से खरीदे वो तो होल्ड कर सकती है। अब मुद्दे की बात क्या है यहां पे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कोई इशू नहीं है, इंटरेस्टिंग मुद्दा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जब होल्डिंग और सब्सिडरी आपस में कंसोलिडेट करेगी तो समझ लीजिए दो मिनट के लिए कि होल्डिंग का शेयर कैपिटल है 100 रुपए का, सब्सिडरी के पास आप बताइए 100 में से कितने शेयर रखे हुए हैं, 20, सब्सिडरी की बुक्स में दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन होल्डिंग। होल्डिंग और सब्सिडरी जब कंसोलिडेट होते हैं लाइन बाय लाइन सारी आइटम्स कंसोलिडेट होती है, होल्डिंग ने जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में किया है वो होल्डिंग सब्सिडरी की नेट असेट्स या यू समझ लीजिए इक्विटी से सेट ऑफ करती है, गुडविल कैपिटल रिजर्व रिकॉग्नाइज करती है। प्रॉब्लम है सब्सिडरी ने जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग में किया है वो किससे सेट ऑफ करोगे, अगर वो सेट ऑफ करने गए तो वो इन्वेस्टमेंट कम होगा और दूसरी तरफ होल्डिंग का शेयर कैपिटल कम होगा। एक तरह से देखा जाए तो होल्डिंग के पास खुद के ही शेयर्स वापस आके रखा गए हैं पर अभी तक कैंसल नहीं हुए हैं, हेंस दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ ट्रेजरी शेयर। मेरी कंपनी का शेयर मेरे ही ग्रुप में पड़ा हुआ है और ये जो ग्रुप में शेयर पड़ा हुआ है ये मेरे शेयर से अभी कैंसल नहीं हुआ है, इसे ट्रेजरी शेयर बोलते हैं। दोस्तों ट्रेजरी शेयर को प्रेजेंटेशन करते समय शेयर कैपिटल से कैंसल करके ही बताया जाएगा, यानी ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, लीगली ये अपने आप में शेयर कैपिटल कम नहीं करेगा लेकिन प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इससे शेयर कैपिटल कम करेंगे, यानी पोर्शे कंपनी ने मेरे 20 रुपए के शेयर अगर 21 रुपए में खरीदे थे तो उस पर्टिकुलर केस में जब कंसोलिडेशन होगा तो 20 की शेयर कैपिटल कम होगी, 21 का इन्वेस्टमेंट कम होगा, बताओ 1 रुपए का डिफरेंस कहां जाएगा, इक्विटी में। ऐसे शेयर्स का ट्रीटमेंट का अकाउंटिंग इसकी बायबैक जैसी हुई लेकिन इसी कैटेगरी को बोलते हैं ट्रेजरी, क्योंकि अभी तक आपका शेयर कैपिटल कैंसिल नहीं हुआ है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है ट्रेजरी शेयर का मतलब। ध्यान रखने की बात यह है कि ट्रेजरी शेयर में भी कभी भी P&L में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक और चीज, सर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या, कंसोलिडेट करूं तो एक तरफ इन्वेस्टमेंट इन होल्डिंग दिखाऊं और कैपिटल पूरा दिखाऊं? नहीं, एक जनरल रूल ध्यान रख लेना, कभी भी कोई भी कंपनी अपने ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को अपनी बुक्स में असेट नहीं दिखा सकती। यू कैन नॉट इन्वेस्ट एज अ कंपनी इन योर ओन शेयर्स। हम अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कर भी रहे हैं तो वो हमारी कैपिटल का एडजस्टमेंट हो जाएगा, हम उसे अपनी बुक्स में असेट नहीं दिखा सकते। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसी के साथ हमारे बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट इस सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर में मैंने कवर किए। आई होप यू वुड हैव गॉट अ क्लियर गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज एस्पेक्ट। इसी के साथ हमारा इंडेस 32 का कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में दो कैटेगरी, जिसमें मुझे अपने इक्विटी शेयर इशू करना है, दूसरा जिसमें मुझे अपने इक्विटी शेयर मिलेंगे, डिस्कस होता है। सबसे पहले अपने इक्विटी शेयर इशू करना है, फिक्स कंसिडरेशन में फिक्स शेयर इशू करेंगे तो इक्विटी, बाकी सारे केस में फाइनेंशियल लायबिलिटी। दूसरा, मुझे इक्विटी देना है या कैश भी देना पड़ सकता है, अगर ये कंटिंजेंट ऑन सम अनसर्टन इवेंट है तो देखो क्या सारी की सारी कंडीशंस में सेटलमेंट इक्विटी शेयर्स में ही होगा, तो उस केस में आप उसे इक्विटी मान के अभी कुछ मत करो, जब होगा सेटलमेंट तब का तब देखेंगे कंटिंजेंट। लेकिन ऐसा कंटिंजेंट नहीं है, इट इज अ रिडीमेबल कम कन्वर्टेबल काइंड ऑफ एन ऑप्शन, तो फिर उस केस में वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग में कवर होगा, जो 109 में अकाउंटिंग बताता है। कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव ओन शेयर, अगर आपको अपने ही शेयर मिलना है, अगर आपने कोई पुट ऑप्शन अंडरराइट किया है, पुटेबल हमने अलग से पढ़ लिया, अगर आपके पास सब्सिडरी के शेयर्स पर पुट ऑप्शन आपने दिया है किसी को, तो उस केस में एनसीआई के पास जो ऐसे शेयर्स है उसे आप फाइनेंशियल लायबिलिटी में दिखाओगे, ना कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में। एंड अगर बायबैक आप करोगे तो बायबैक की अकाउंटिंग में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी को आप शो करोगे एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, और उत्ते से इक्विटी डेबिट करोगे, कैंसिलेशन पे इस इक्विटी से कैपिटल एडजस्ट करोगे, डिफरेंस इक्विटी से जाएगा। ट्रेजरी शेयर बायबैक में कभी P&L इफेक्ट नहीं होगा, कभी भी अपनी बुक्स में अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को असेट नहीं दिखाओगे, शेयर कैपिटल कम करोगे, फिनिश। और आखिरी दो मुद्दे, डिविडेंड इंटरेस्ट की अकाउंटिंग कैसे होती है, हमेशा ध्यान रखना डिविडेंड है, डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स है, इक्विटी यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में डायरेक्ट जाएगा, इंटरेस्ट है, खर्चे के नेचर का है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस इट विल गो टू P&L। समझना है इसे,
डिबेंचर पे ब्याज देते हैं, खर्चा है मेरे ओनर्स का स्टेक, वर्थ कैश फ्लो कम कर रहे हैं, खर्चा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है जो रिडीमेबल है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। पर ये जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है ये डिस्क्रिशनरी है, देना है तो नहीं देना है तो आखिरी में ज्यादा देने की अरियर्स पे करने की जरूरत नहीं है रिडम्पशन पर, तो ये डिस्क्रिशनरी है, इसका नेचर इक्विटी जैसा हो गया। ये जाएगा कहां? इक्विटी में, ना कि पी एंड एल में। लेकिन मैंडेटरी डिविडेंड देने का कॉन्ट्रैक्ट है तो भले ही उसका नाम डिविडेंड है बट एक्चुअल में उसका नेचर इंटरेस्ट का है, वो पी एंड एल में जाएगा। इक्विटी शेयर पे दिया हुआ डिविडेंड हमेशा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा, इसके ऊपर जो डिविडेंड टैक्स लगेगा वो भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा। डिविडेंड टैक्स की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग होती है इंडियाज 12 और कंसोलिडेशन में, जो एक सेपरेट डिस्कशन है, वी विल नॉट कवरिंग दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट हियर। सो दिस इज योर अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन दिस सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। एक और छोटी सी बात कर सकते हैं, इनपे अगर खर्चा हुआ तो क्या होगा? फाइनेंशियल असेट पे कोई खर्चा हुआ है उसकी अकाउंटिंग इंडियस 109 बताएगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी पे कोई खर्चा हुआ है उसकी अकाउंटिंग भी इंडियस 109 बताएगा। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इश्यू करते समय कोई खर्चा हुआ है उसकी अकाउंटिंग इंडियस 32 बताता है और बोलता है उसे आप इक्विटी से एडजस्ट कर देना। यानी दोस्तों आज की तारीख में शेयर इश्यू एक्सपेंस विल नॉट बी डेफर्ड एंड रिटर्न ऑफ टू पी एंड एल, दे विल डायरेक्टली बी वन शॉट एडजस्टेड फ्रॉम योर इक्विटी। इक्विटी जब मैं बोलता हूं इसका मतलब मेरे रिजर्व्स एंड सरप्लस, डायरेक्ट एडजस्टमेंट होगा किसी भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के इश्यू करने के खर्चे का, किससे? इक्विटी से। और हमारा आखिरी मैटर है ऑफसेटिंग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सिर्फ इतनी सी बात इंडेस में कही है, If you have a legal right to offset an asset and liability and you intend to offset it, then you have to net it off and show it in the balance sheet. Ind AS 1 का revision lecture देखना, उसमें offsetting की बात मैंने अलग से की थी, उसमें मैंने बताया था कि offsetting का basic मतलब क्या होता है, दो asset और liability को अलग अलग दिखाने की बजाय net दिखा देना, जैसे provision of for tax और advance tax को अलग अलग बताने की बजाय net करके बता देना, जो कि logically सही है। लेकिन miscellaneous income और miscellaneous expense को शायद net करना सही ना हो। Ind AS 1 बोलता था कोई material information obscure ना हो, ये principle ध्यान में रख के net off करना। पर वहां पे अपन ने एक एग्जांपल पढ़ा था कि अगर इंडेस कोई दूसरा, जैसे कि इंडेस 32 ऑफसेटिंग अलाउ करता है तो आप ऑफसेटिंग कर सकते हो। आज अपन इंडेस 32 में बोलते हैं कि ऑफसेटिंग इंडेस 32 भला कब अलाउ करता है, तो इंडेस 32 बोलता है कि आप ऑफसेटिंग तब कर सकते हो जब आपके पास एक लीगल राइट है एक फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने का, और आप उस राइट को एक्सरसाइज करने की चाहत रखते हैं, सब्सटेंस में आप उसे एक्सरसाइज करेंगे, तो आप उसे नेट करके बताओ, फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी दोनों नहीं बताना। यानी कि उदाहरण के तौर पे एक चीज समझना, मेरे एक बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट है और मैंने उसी बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रखा है, जो क्रेडिट कार्ड में आउटस्टैंडिंग ईयर एंड पर बैंक में आ रहा है वो बैंक क्या दिखाएगी? एज एन एडवांस। आपको मालूम होगा क्रेडिट कार्ड लाइबिलिटीज इन बैंक्स आर शोन एज एन एडवांस गिवन, लोन गिवन। पर जो सेविंग बैंक में मैंने पैसा रखा है वो दिखेगा किसमें? इन द हेड ऑफ डिपॉजिट। बैंक ने एडवांस दिया, असेट साइड में आता है, बैंक ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए सेविंग बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स लाइबिलिटी में आएगा। क्या मैं सेट ऑफ कर सकता हूं? प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या लीगल राइट है क्या बैंक के पास? तो नॉर्मली बैंक क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कराते समय एक लिख लेता है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ तो हमारे पास अधिकार होगा कि उस डिफॉल्ट के केस में हम क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग आपके सेविंग बैंक के बैलेंस से सेट ऑफ कर लें। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये दोनों फाइनेंशियल असेट और लाइबिलिटी एक दूसरे में एडजस्टेबल है। ये तो कंटिंजेंट प्रोविजन हो गया कि रिपेमेंट नहीं हुआ तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसे ऑफसेटिंग का बेसिस नहीं माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि मैंने कोई असेट गिरवी देके अगर लोन ले लिया तो उसे ऑफसेट मत कर देना कि सर असेट एडजस्ट हो जाएगा लोन के अगेंस्ट में अगर हमने रीपेमेंट नहीं किया, जैसे नीरव मोदी जी के हो रहे हैं। ये तो कंटिंजेंट है, कोलैटरल है, कोलैटरल पे ऑफसेटिंग के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। ये कब लगेगा? जब मेरे एक ही पार्टी से बाइंग और सेलिंग दोनों चलती है और हम बोलते हैं कि हम इसे नेट में सेटल करेंगे, देन दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली अ पॉसिबिलिटी।
जहां पे मैं ऑफसेटिंग के प्रोविजंस लगा सकता हूं। बेसिक लॉजिक है, अगर आप नेट ऑफ करके इंफॉर्मेशन दोगे तो यूजर को इंफॉर्मेशन कम मिलेगी, दोनों अलग अलग बताओगे तो ग्रॉस इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए ऑफसेटिंग बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड केस में परमिट की जाएगी। बताइए दोस्तों, इसी के साथ हमारा एक बहुत बड़ा इंडेक्स और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंडेक्स कंप्लीट होता है, इंडेक्स 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। Quickly, I've covered all the particular concept. It's a theoretical matter. It has a lot of theoretical concepts and it is interconnecting to so many other indices. मैंने अपना एक छोटा सा प्रयास किया है दोस्तों कि इसको मैं extraordinarily simplify करके आपके सामने रख सकूं। I'm sure जब इस चीज को अपन regular batch में देखते हैं, बहुत ज़्यादा details में जाते हैं, चीजें बहुत ज़्यादा complicated होती है और उन complications को हम depth में with examples, numerical questions solve करते हैं। यहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव उस सारी लर्निंग को एक चार्ट में लाके कंसोलिडेट करके आपके सामने रखने का है। दिस चार्ट लुक्स टू बी वेरी स्मॉल एंड सिंपल, बट बिलीव मी इट इज आवर्स ऑफ मिडनाइट ऑयल, इनफैक्ट आई शुड से लीटर्स ऑफ मिडनाइट ऑयल विच हैज हेल्प्ड अस टू गेट दिस वन पर्टिकुलर चार्ट। आई होप यू वुड हैव लव्ड दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स। प्लीज शेयर योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल for getting a notification on the next set of updates in the YouTube, whichever we'll share. We have given our numbers in the video. आपको किसी प्रकार के कोई doubts या कोई help assistance चाहिए, you can put it there. Whenever time would permit, we'll try to respond to those doubts. Thank you very much for watching our lectures and thank you so much that in the last 1 year, we have almost doubled our YouTube subscribers and we are almost 21,000 plus subscribers now. Thank you.